हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर बार्बल रिव्यू। आज हम रिव्यू कर रहे हैं एटीई के बफेलो बार्बल को। स्ट्रेट बार्बल्स तो हमने बहुत सारे पहले रिव्यू करे हुए हैं, बट इस बार मैंने एक स्पेशलिटी बार्बल को पिक करा है इस वीडियो के लिए। तो इस तरीके का बार्बल आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा, और कई लोगों के लिए तो ये बहुत ही चौंका देने वाला बार्बल होगा, बिकॉज दिखते ही नहीं है बार्बल इंडिया के अंदर। अभी ही कुछ एक दो कंपनी ने इसे लॉन्च किया है और ये मेरे पास है, पिछले एक महीने से इसे मैं यूज कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बफेलो बार्बल का पूरा कहानी बताऊंगा, क्यों ये यूज किए जाते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, किस चीज के लिए काम में आते हैं आपके, और क्या आपको इसे अपने एक्सरसाइज के अंदर यूज करना है भी या फिर नहीं। तो आज हम बात करेंगे इस बफेलो बार्बल के बारे में। तो अगर आपको बार्बल रिव्यूज देखना पसंद है तो ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग सकती है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लेट्स डिकोड दिस बार्बल। तो अब मैं आपको इस बार्बल को अपनी रैक के ऊपर रख के दिखाता हूँ। ये 50 इंचेस लेंथ की रैक है और मेरा जो बार्बल है ये काफी लंबा है, तो ये देखिए कितना भी भार निकला रहेगा ये रैक से। इस तरीके से ये रख दिया गया है, और जहां से नर्लिंग शुरू होती है ना, जहां से एंगल बनाना शुरू करता है ये अपने बो का, वहीं पे लास्ट आपको रखना है अपने जेकअप के ऊपर। और जेकअप आपके रोलर जेकअप नहीं होने चाहिए, एक स्टेबल, एक हैवी ड्यूटी जेकअप होने चाहिए, बिकॉज ना ये रोल कर जाता है कभी कभी। और जो कॉम्बो रैक में यूज किए जाते हैं ना रोलर वाले जेकब्स, उससे तो ये निकल के गिर सकता है। तो आपको एक स्टेबल सिंपल जेकब के ऊपर इसे रखना है, तभी आराम से रख दिया जाएगा। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, आपको ऐसे स्पेशलिटी बार्बल्स खरीदने ही क्यों हैं? क्यों आपको एक बफेलो बार्बल खरीदना है जो कि इतना अटपटा दिखता है और बहुत ही अजीब शेप है इसकी, और लंबा भी है, मोटा भी है, जेकब्स को भी आपके टेढ़ा कर देता है, क्यों आपको एक स्पेशलिटी बार्बल खरीदना चाहिए? तो जो बफेलो बार्बल बनाया गया था ना, वो मेजरली दो पर्पस के लिए बनाया गया था, विच इज पहला जो है ब्रेस बेटर, जो भी लिफ्टर होगा अच्छे से ब्रेस कर सकता है एक्सरसाइज के बीच में। और दूसरा जो मेन रीजन है वो है कि ये बार्बल जब आप यूज करोगे अपनी लिफ्टिंग के अंदर, तो जो भी अनवांटेड स्ट्रेस आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है वाइल लिफ्टिंग, ये उस स्ट्रेस को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। अब वो कैसे स्ट्रेस होते हैं, लाइक अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वाट में स्ट्रेट बार्बल के साथ आप स्क्वाट कर रहे हैं, तो ऐसे किसी बारबल के साथ करेंगे, उसमें ना आपको बारबल को इतनी ऐसे पकड़ना होता है, बिकॉज शाफ्ट तो सीधी है, अगर आपकी शोल्डर मोबिलिटी इश्यूज हैं तो आप इतनी दूर से शाफ्ट को नहीं पकड़ सकते। तो जो बहुत ही भारी पावर लिफ्टर्स हैं, बहुत ही मोटे बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है, जिनका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, मोटे का मतलब यह है, तो आपने देखी होंगी वीडियोस, वो अपने फीट को भी नहीं छू सकते। तो उन लोगों को अगर आप स्ट्रेट बार दोगे, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो इन स्पेशलिटी बार्बल का रीजन यही होता है कि इसमें आपको बो शेव मिल रही है। तो ये देखिए कॉन्टैक्ट तो आपकी पीठ के ऊपर यहाँ पे बन गया, और मैंने ना काफी नीचे से हैंडल को पकड़ा हुआ है, तो मुझे अपने शोल्डर को और ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है और डिस्टेंस को अचीव करने की जरूरत नहीं है, नीचे से ही मैं इसकी शाफ्ट को पकड़ सकता हूँ और अपनी एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ। आपने सेफ्टी स्क्वाट बार भी देखा होगा, वो थोड़ा कॉमन है इस बार्बल के कंपैरिजन में, वो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज के लिए बनाया गया है, विच इज टू स्क्वाट सेफली स्क्वाट बार, ठीक है। तो उसमें आपको बारबल का हैंडल जो होता है ना वो आगे मिलता है, ठीक है, क्यों मिलता है, ऐसे भी दे सकते थे, इतनी पास भी दे सकते थे, जो कि लो बार स्क्वाट्स करता है, तो आप देखा होगा कितनी नीचे बारबल को यहाँ पे रखते हैं और शाफ्ट को ऐसे पकड़ते हैं। किसी की अगर शोल्डर इश्यूज हैं या उसको इंजरी हो चुकी है पहले, तो वो इस तरीके से अपने शोल्डर को स्ट्रेच करके बारबल को नहीं पकड़ पाएगा, उस टाइम पे सेफ्टी स्क्वाट बार ऐसे पकड़ के आप स्क्वाट कर सकते हो, उसके साथ बफेलो बारबल ऐसे पकड़ के आप आराम से नीचे की ग्रिप ले सकते हो। अभी देखिए मेरे शोल्डर को ज्यादा टाइट भी नहीं किया हुआ, और अगर ये स्ट्रेट बारबल होता तो पूरा पीछे तक चला जाता है, एल्बो को करना पड़ता। तो इसका यही एक मेन रीजन होता है, तो ये आराम से सेटल हो जाएगा आपके ट्रेपेजियस मसल के ऊपर, आपको ज्यादा कोर स्टेबिलिटी मिलेगी, रिजिड बैक आप रख सकते हो, ज्यादा आप ट्रैक्शन में नहीं जाओगे, और जो भी लैट एंगेजमेंट होता है ना वो काफी अच्छा आपको मिल जाता है ऐसे बारबल के अंदर। दूसरे एक्सरसाइज के अंदर बेंच प्रेस, उसके अंदर आपको मोटी शाफ्ट मिलती है तो पुश करने में आसानी रहती है, साथ ही में रेंज ऑफ मोशन ज्यादा मिल जाता है। आप देखिए स्ट्रेट बारबल के साथ आप बस यहाँ तक ही बारबल को लेके जा पाओगे, बिकॉज छुल जाएगा आपकी चेस्ट के ऊपर बारबल, बट ये बो शेप है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्टेंस मिल जाता है इसे रेंज ऑफ मोशन में लेके जाने के लिए, तो आप ज्यादा स्ट्रेच कर पाओगे।
तो गाइस सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आपकी नजर जाएगी इस बार्बल के अंदर वो है इसकी शेप। इसे हम बफेलो बार्बल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज बफेलो के जो हॉर्न्स होते हैं ना, सींग होते हैं, वो इस तरीके से बाहर को निकले होते हैं। सिमिलरली इसकी शेप भी बफेलो की तरह ही है। इसको आप कैम्फर्ड बार भी कह सकते हैं और ये बो लाइक शेप के अंदर भी दिखता है, मीन्स जो तीर कमान की शेप होती है उस शेप के अंदर भी दिखता है। बहुत सारे इसके अलग अलग नाम है, आप इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हो। नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका काम, ये बार्बल किस काम में आता है। तो ये एक स्पेशलिटी बार्बल है और स्पेशलिटी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ कुछ चुनिंदा एक्सरसाइज के अंदर ही आप यूज कर सकते हो, जैसे कि स्क्वाट्स एंड बेंच प्रेस। सिर्फ दो एक्सरसाइज के अंदर इसका काम आपको दिखेगा, और कोई भी एक्सरसाइज करते हो, चाहे आप डेडलिफ्ट कर लीजिए या शोल्डर प्रेसेस करना चाह रहे हो, उन सब के अंदर ये इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी तीसरी या चौथी एक्सरसाइज के अंदर, सिर्फ दो एक्सरसाइज के अंदर ये आपके काम में आएगा और किसी भी नॉर्मल बार्बल से ज़्यादा लंबा आपको दिखता है। तो अब इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आप बात करते हैं। स्पेसिफिकेशन वाइज आप इन दोनों बार्बल को साइड बाय साइड देख सकते हो। ये एक ओलंपिक साइज का 7.2 फिट का बार्बल है और ये 80 का बफेलो बार्बल है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये 8 फीट लंबा बार्बल है, आप देखिए कितना लंबा है किसी भी नॉर्मल साइज बार्बल से, और ये 7.2 फिट का है। मेजरली ये पावर लिफ्टिंग के जो बार्बल्स होते हैं उसके स्पेक से काफी अलाइंड रहता है। तो पावर लिफ्टिंग बार्बल के अंदर जैसे कि आपको मोटी शाफ्ट मिलती है, इसके अंदर आपको 32 mm जितनी मोटी शाफ्ट आपको मिल जाएगी, जो कि जब आप पुश कर रहे होगे तो ज्यादा सरफेस एरिया आपको मिलेगा पुश करने के लिए, तो ज्यादा फोर्स आप एग्जर्ट कर पाओगे इस बार्बल के अंदर। ये एक नॉर्मल वेट लिफ्टिंग बार्बल है, 28 mm की आपको यहाँ पे शाफ्ट डायमीटर देखने को मिलेगा। बाकी वेट, ये 21 kg का वेट आपको इस बार्बल के अंदर मिलेगा और इसके अंदर सिर्फ आपको 20 kg का मिलेगा, बिकॉज ये ओलंपिक साइज बार्बल है। और पूरा बार्बल आपको शाफ्ट के ऊपर ब्लैक ऑक्साइड के अंदर कोटेड मिलेगा और ये ब्लैक कलर का है। नलिंग भी आपको काफ़ी शार्प मिल जाती है, वॉल्केनो नल, मिडिल के अंदर आपको यहाँ पे सेंटर नल देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको नल रिंग मिल जाती है दोनों तरफ, जिससे कि आप अपनी ग्रिप ले सकते हो इजीली। यहाँ पे जब आप देखोगे कि स्लीव तक जो ये इसका कॉलर है, इसके और इसके बीच में आपको यहाँ पे पॉलिश्ड ही शाफ्ट मिलेगी। यहाँ पे भी कोई नर्लिंग नहीं है अंदर को जाते हुए, और इसका जो रोटेशन सिस्टम है ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग ब्रॉन्ज बुशिंग आपको इसके अंदर मिलेगी, जो कि अच्छा खासा स्पिन दे रही है। देखिए आप, स्पिन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको जो स्लीव मिल रही है इसके ऊपर कोई भी ग्रूव पैटर्न नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप आयरन प्लेट यूज़ कर रहे हो तो। ये आपकी स्क्रैच नहीं करेगी, बट साथ ही में बहुत ही आसानी से ये स्किट कर जाएगी। तो आप अगर इस बार्बल को डिसबैलेंस करोगे स्क्वाट या बेंच प्रेस करते समय, तो ये आपकी निकल के गिर सकती है। तो उसके इसके अंदर आप कॉलर हमेशा यूज़ करना है इस बार्बल के ऊपर, वो आप मिस मत करिएगा। बाकी 680 kg इसकी वेट कैपेसिटी है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी 190 kpsi की टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, और इस बार्बल को आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपने एक्सरसाइज के अंदर, एंड दिस बार्बल विल नॉट ब्रेक, विल नॉट बैंड और विल नॉट स्क्रैच। तो गाइस सच्ची में स्पेशलिटी बार्बल लेने के अपने एडवांटेजेस तो हैं, छोटे मोटे बेनिफिट्स तो आपको मिल जाते हैं, बट वो बेनिफिट्स इतने माइन्यूट होते हैं ना कि कुछ लोग ही इतने छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट से अपना रिजल्ट लेकर आ पाते हैं। चाहे वो इंजरी को अवॉइड करना चाहते हैं या फिर इंजरी होने के बाद मोबिलिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं, सब चीज़ों के अंदर स्पेशलिटी बार्बल आपके लिए एडवांटेजेस रह सकता है। बाकी दूसरे लोग जिनको अभी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, उन्हें नहीं पता इन बार्बल्स को यूज़ कैसे करना है, उनके बेनिफिट के लिए, उन लोगों के लिए ये बार्बल सिर्फ एक एक्सपेंस बन के रह जाते हैं और उनको ये यूज़ करना भी नहीं आएगा। अभी मैं बेंच प्रेस कर रहा था तो ये ऑसिलेट बहुत ज़्यादा कर रहा था, ठीक है। मैंने जब सबसे पहली बार इस बार्बल के साथ बेंच प्रेस की थी तब तो मैं डर ही गया था इस बार्बल के साथ। अब मैं थोड़ा यूज टू हो गया हूँ, बिकॉज मैं बैलेंस भी कर रहा हूँ और लिफ्ट भी कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि ये हिल रहा था बीच में से, तो ये छोटी मोटी दिक्कत आपको आ सकती है। बाकी 29 mm के जो पावर लिफ्टिंग बार्बल होता है उससे अगर आप इस पर शिफ्ट करोगे 32 mm का, बहुत ही मोटा डायमीटर का बार्बल है जिसकी वजह से आप ज़्यादा पुश कर पाओगे, बिकॉज ज़्यादा सर्फेस एरिया मिलता है, ज़्यादा फोर्स आप लगा पाओगे, तो इससे आप थोड़ा ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे। बट साथ ही में इसके अंदर आपको न्यूट्रल ग्रिप भी मिलती है, तो न्यूट्रल ग्रिप लेने का फ़ायदा यह है, स्ट्रेट बार्बल में तो आप सीधे लोगे, न्यूट्रल लेने की वजह से आप अपनी ग्रिप को इस तरीके से रख सकते हो जिसकी वजह से रिस्ट के ऊपर आपके कम स्ट्रेस पड़ेगा। रेंज ऑफ मोशन डेफिनेटली इस बार्बल के अंदर ज़्यादा मिलता है किसी भी नॉर्मल स्ट्रेट बार्बल से, तो ये इसका फ़ायदा है बेंच प्रेस के अंदर। तो स्पेशलिटी बार्बल लेने के अपने फ़ायदे हैं, बट वो फ़ायदे इतने ज़्यादा भी बड़े नहीं हैं कि आप एक नॉर्मल स्ट्रेट बार्बल को डिच कर दोगे ऐसे बार्बल लेने की वजह से। तो आपको ये बार्बल भी लेने हैं और नॉर्मल बार्बल भी लेने हैं, बिकॉज वो काफ़ी वर्सेटाइल रहते हैं, तो ये आपको सिर्फ एक दो एक्सरसाइज के अंदर ही बेनिफिट करेंगे, बाकी टाइम ये आपकी बार्बल रैक के अंदर रखे रहेंगे और अनटच्ड रहेंगे।
तो गाइज आई होप आपको ये छोटा सा रिव्यू ऑफ एटी बफेलो बाबल पसंद आया होगा। मेरे पास और भी बाबल्स हैं एटी के, वो कैमो बाबल रखा हुआ है, स्टेनलेस स्टील बाबल रखा हुआ है, और भी बतेरे बाबल्स हैं, सबके रिव्यूज मैं अपने चैनल के ऊपर डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। आई बटन के अंदर भी मैं वीडियो की लिंक आपको दे दूंगा। तो अगर आपको ये वाला बाबल खरीदना है, प्राइस जानना चाहते हो आप, तो ये 15,000 रुपये प्लस GST एंड शिपिंग आपको मिलेगा, विच मीन्स लगभग 17,000 रुपये का ये आपको मिल जाएगा, 17,000 से 18,000 रुपये का। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी हैं कंपनी की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वेबसाइट पे जाके भी परचेज कर सकते हो। दोनों केस के अंदर आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरे थ्रू परचेज करते हो तो 17,000 रुपये के अंदर ये बाबल महंगा है डेफिनेटली, बट स्पेशलिटी बाबल्स महंगे ही आते हैं। तो आपको डिसाइड करना है आपके नीड के अनुसार, क्या बफेलो बाबल आपके लिए सूट करता भी है या फिर ये सिर्फ आपके लिए एक शाइनी ऑब्जेक्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर आपको इसी तरीके के रिव्यूज पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और इक्विपमेंट को रिव्यू करते हुए। बाय।